तो ये मैं बनाई हूँ मोमोज बच्चों के लिए, टेस्टी से नाश्ता। तो चलिए, बहुत दिनों से कह रहे थे कि बनाओ मोमोज, बनाओ मोमोज बनाओ, तो मैं बनाई हूँ तो बच्चों के लिए। तो आइए एक बार चलते हैं किचन की तरफ कि मैं किस तरह से बनाई हूँ इस मोमोज को। आज बना रही हूँ मोमोज, तो मोमोज वेजिटेबल मोमोज। तो वेजिटेबल मोमोज बनाने के लिए मैं वेजिटेबल ली हूँ और पनीर भी ली हूँ। तो कुछ लोग पनीर और प्याज से मिला के पनीर मोमोज नाम रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ वेजिटेबल डाल के वेजिटेबल मोमोज नाम रखते हैं। तो मैं दोनों का मिक्सचर डालूंगी और वेजिटेबल मोमोज विथ पनीर मोमोज बनाऊंगी। तो दोनों को चलिए मिलाते हैं। वेजिटेबल और पनीर मोमोज मैं तैयार करती हूँ, तो चलिए मैं सभी को काट लेती हूँ। एक कप मैदा ली हूँ जिसमें बन जाएगा 25-26 बन जाते हैं मोमोज। और ज्यादा बनाने तो क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं सभी चीजों का। चाल इसलिए लेते हैं कि कुछ अगर गंदगी हो, कुछ भी हो, तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें डालेंगे थोड़े से तेल, दो चम्मच डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा को गूंथेंगे। ये गूंथ लिए मैदा को, इसे चिकना होने के लिए 5-7 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो ये हो गया तैयार। चलिए इन सभी को मैं काट लेती हूँ। गाजर भी कट चुका है, चलिए गाजर हटा दिए हैं। प्याज भी काट लेती हूँ क्योंकि कद्दूकस करने से प्याज में से पानी छूट जाएंगे, इसलिए इसे कटिंग कर लेती हूँ। प्याज कट चुका है तो कॉर्न काट लेते हैं। ये कट चुका है, अब धनिया भी काट लेती हूँ। मोमोज बनने में तो फटाक से बन जाते हैं जल्दी से, बस जो भी चीज तैयारियां करने में जो टाइम लगते हैं। आजकल तो कटे हुए भी सभी कुछ मिलने लगे हैं, बस मार्केट से खरीद के लाए हैं और फटाफट से तैयार कर दें। ऐसा भी होता है बिल्कुल। आजकल रोटियां भी बेला हुआ मिलने लगा है कि सिर्फ तवे पे डालिए, सेकिए, खा जाइए। तो काफी बदल चुका है, मगर जो अपने हाथों से बनाने में जो गूंथ के जो उसमें स्वाद है वो कहाँ, बाहर से कितनों भी कर दीजिए तो मन करेगा कि हाथों से बहुत खा लीजिए आप बाहर से खाना, कुछ भी मन करेगा कि घर का खाना खा लेते तो अच्छा रहता। तो यही बात है, चलिए मैं काट ली हूँ, सभी सब्जियों को काट ली हूँ। तो लहसुन अदरक को भी काट ली हूँ, लहसुन अदरक काटना मैं भूल गई थी। अब पनीर को काट लेती हूँ, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं सभी को। पनीर भी कट चुके हैं, तो सभी सब्जियां हमारा कट चुका है। तो चलिए मैं फ्राई पैन चढ़ाती हूँ गैस पे। तो फ्राई पैन चढ़ा दिए, गैस जला लिए है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, चलिए गर्म होने देते हैं।
प्याज डाल देंगे, ज्यादा नहीं, बस इसे चलाना है दो से तीन बार चलाने के बाद सारी सब्जियों को डाल के दो तीन मिनट तक इसे हल्का सा बस पकाना है। कॉर्न डाल दिए, गाजर डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। लाल मिर्च की जगह पे हरा मिर्च भी डाल सकते हैं, तो हरा मिर्च डाली हूँ। तो इसे दो मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। थोड़ा सा ऑरेगानो डाल दें, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। तो इसमें पनीर डाल देते हैं, इसे एक से दो बार चला के उतार लेंगे। अब ये हमारा मोमोज के अंदर भरने के लिए स्टफिंग तैयार है। तो थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी, चलिए इसे ढक देते हैं। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, तो गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारा दो तैयार हो चुका है, देखिए सॉफ्ट सा हो चुका है कितना। अब पेड़े से बना ले, ये साइज का बनाऊंगी। पहले फटाफट से मैं बना लेती हूँ छोटे छोटे से पेड़े। तो ये हमने सभी पेड़े से बना लिए हैं इस साइज का, एक कप में बन जाता है 24-25। तो ये सभी को रख दिए। अब चलिए एक को मैं बेल के इसमें भरती हूँ। इस तरह से सभी को बेल लेंगे और इसमें भर लेते हैं। और इसे इस तरह से जैसे प्लेट बैठाते हैं अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से फोल्ड करेंगे। दो तीन तरह से फोल्ड किए जाते हैं। तो एक तो इस तरह से फोल्ड करते हैं, देखिए ऐसे मोड़ने से, ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया। एक तो ये, दूसरा इस तरह से, देखिए इस तरह से जैसे गुजिया बनाते हैं जिस तरह से ना, इस तरह से कर लें। और इसको हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसे करके, बस ये देखिए एक ये भी डिजाइन हो गया। तो आपको जो डिजाइन पसंद है वैसा बना लें, और भी एक डिजाइन होते हैं। इसमें जो प्लेट डालेंगे ना, तो थोड़े दूर दूर पे डालेंगे इस तरह से। इसको बंद करना है, बस इस तरह से डाल के इसको, ये देखिए सभी को मैंने इस तरह से बना ली हूँ। तो देखिए, और पानी गर्म कर लेते हैं स्टीम के लिए। और इस तरह से छलनी ले लें, छलनी पे थोड़े से आप तेल लगा लें इस तरह से, जिससे चिपके नहीं। तो इस तरह से लगा के रख देते हैं और स्टीम होने के लिए। जब थोड़े से गर्म हो जाएंगे पानी, तो फिर इसमें डाल देंगे सभी मोमोज को। यानी स्टीम होने वाला है, तो गर्म हो चुका है थोड़ा पानी, तो अब इसमें डाल देंगे मोमोज को। चलिए एक बार में इतना ही जाएगा, तो इसलिए दोबारा फिर और को इन सभी को पका लेंगे। तो इसे 10 से 12 मिनट पकाते हैं।
तो ये देखते हैं, देखिए ट्रांसपेरेंट से अंदर की सब्जियां दिखने लगी है, और इसे हम निकाल लें। तो ये पक जाता है, तो देखें ये ट्रांसपेरेंट से दिखने लगते हैं और सब्जियां दिखने लगती है, तो इससे समझ जाए पक गया है। 10 से 12 मिनट में पक जाते हैं। ये देखिए जब पक जाते हैं तो ये देखिए इसमें से दिख रहे हैं सारे वो भरे हुए वेजिटेबल। तो ये देखिए, तो ये पक चुका है। तो चलिए इस तरह से बनाएं और आप खाएं। तो ये मैं सर्व कर चुकी हूँ, तो आप भी इस तरह से मोमोज बनाएं और खाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।